सूफी आंदोलन। देखिए बात करते हैं एक्चुअली में कि जिस प्रकार भक्ति आंदोलन पनपा था तो वो क्या था, एक हिंदू धर्म की यांत्रिकता। यांत्रिकता मतलब जैसे कि कर्मकांडी व्यवस्था। इसमें एक्चुअली में मन एवं आत्मा की तुष्टि नहीं हो सकती थी। जैसे आप कभी हवन और यज्ञ में बैठे होंगे, आप बोर हो जाते हैं, दो तीन घंटे सुहा, इससे आत्मा की तुष्टि नहीं हो सकती, मन की तुष्टि नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो एक्चुअली में इस कर्मकांडी व्यवस्था के खिलाफ ही हिंदू धर्म में एक सहृदयता के रूप में जो आंदोलन बनता उसे हम भक्ति आंदोलन बोलते हैं। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में जो शुष्कता थी, कैसे नमाज नमाज नमाज, इसके अलावा नथिंग एल्स, ठीक है ना। ये जो शुष्कता थी इससे भी मन और आत्मा यानी माइंड एंड सोल्स, सोल भले आपका मतलब एथनिक हो या मतलब नास्तिक हो, सोल्स का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि आपकी स्प्रिट वो तुष्ट नहीं हो सकती थी, ठीक है। क्योंकि हमारी स्प्रिट, हमारी जो सोल आत्मा माइंड तुष्ट हो सकती है प्यार भावना से, किससे हो सकती है, भावना से, भाव से। अब ना तो इसमें भाव है ना ही इसमें भाव है, इसी भाव के अभाव के कारण, भाव के अभाव के कारण एक्चुअली में जहां हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन पनपा तो मुस्लिम धर्म में सूफीज्म पनपा, सूफी आंदोलन पनपा। एक चीज तो आपके दिमाग में ये रखनी है, ये एक्चुअली में आपको समझाने के तौर पर है, ठीक है ना। आपको माइंड में ये जरूर चीजें रखनी है कि सूफीज्म है क्या, ठीक है ना। मैंने अभी पूछा था कि भाई सूफीज्म क्या, तो चिश्ती सूफीज्म या नक्शबंदी सूफीज्म या कादरिया सूफीज्म, दैट इज सिलसिले। सूफीज्म क्या है उसके बारे में बता रहा हूं। चलिए फिर देखिए, आप खुद देखिए, एक्चुअली में बाइबिल सॉरी कुरान कयामत के दिन तक इसी पैटर्न पे रहेगी, नो चेंजेस, समझ में आ रही ना। तो बदलते परिवेश में एक व्यक्ति कैसे अपने भावों को प्रकट कर सकता है, कैसे अपने भावों को प्रकट करेगा, खुद सोचिए ना, कैसे संभव होगा कि क्योंकि 7वीं सदी में फाइनलाइज हुआ है वो 22वीं सदी में भी वही रहेगा, ठीक है। सूफीज्म में यहाँ स्कोप देता है, भावा को स्कोप देता है कि तुम इस वे पर भी बढ़ सकते हो। चलिए तो सूफी क्या है, पहले तो इस शब्द का विश्लेषण कर देते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है।
दूसरी चीज एक यूं सोच लीजिए कि भाई जैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ठीक है ना, और इस्लाम धर्म में जब तुर्की का आधिपत्य हुआ, तुर्कां का आधिपत्य हुआ, ठीक है ना, तो एक जनजीवन जो घुटन का महसूस कर रहा था, घुटन इस शुष्कता के खिलाफ, ठीक है ना, उसमें उस दौरान इन सूफिया ने एक आशाओं का संचार किया था, आशा का संचार किया था। हालांकि ये चीज और ध्यान रखना, सूफी इस्लाम की कुरान के अनुसार एप्रोप्रिएट मत नहीं था, इसलिए बहुत सारे प्रारंभिक सूफी संत को सूली पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है, बहुत सारे प्रारंभिक सूफी संतों को सूली पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि इस्लाम धर्म, अब जैसे कि एक्चुअली आप खुद सोचिए, सूफी का मतलब होता है कि रब और मुरीद दोनों एकाकार महसूस करना, यानी कि अब मुरीद भी रब हो गया, पर इस्लाम ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता, इस्लाम ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता, और इस्लाम में ये शिर्क माना जाता है, शिर्क यानी रब के बराबर किसी दूसरे को मानना शिर्क कहलाता है, तो ये शिर्क कहलाता है जिसकी सजा है कत्ल। तो बहुत सारे सूफियों को, प्रारंभिक सूफियों को सूली पर चढ़ा दिया गया था। खैर कोई बात नहीं, चलिए, तो ये क्या था, अगर तीन शब्द में मैं कहूं तो इस्लाम में, इस्लाम धर्म में ये उदार रहस्यवादी, रहस्यवादी इस दृष्टि से कि जब आप खुद वो बात करते हैं, जब खुद देखिए, जैसे मजनून साहब को पहली बार मकतब में डाला गया था, मजनून साहब को पहली बार मकतब में डाला गया था, तो फिर उसने कहा था, जब उसके मौलवी ने कहा था कि तुम अल्लाह का नाम लिख, रब का नाम लिख, तो उसने लिख दिया लेला, ठीक है ना, तो मौलवी ने कहा था कि दैट इज रॉन्ग, ला इलाहा रब का नाम है, तब उसने कहा कि तुम जिसे ला इलाहा बोलते हो मैं उसे ले इलाहा बोलता हूँ। ये रहस्यवादी रहते थे, ये अपने आप में रूहानी ताकत महसूस करते थे, रूहानीपन महसूस करते थे, आध्यात्मिकता महसूस करते थे, ठीक है ना। तो उदारवादी, रहस्यवादी और संश्लेषणवादी थे, संश्लेषणवादी थे। इस दृष्टि से आप सोचिएगा कि बहुत सारी विचारधाराएं आकर मिल जाएगी आपको सूफीवाद में, जैसे योग मिल जाएगा, योग क्रियाएं आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना, भक्ति भाव आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना, पीर मुरीद प्रथा आपको यहाँ मिल जाएगी, जिसे गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, पीर मुरीद परंपरा मिल जाएगी। बहुत संश्लेषणवादी था, ठीक है ना। और सूफिया का रोल अपन ये कह सकते हैं कि इस्लाम ने जब तुर्की का अधिपति स्थापित हुआ, तुर्का ने तलवार के बल पर जब इस्लाम को पूरी दुनिया पर कायम करने का प्रयास किया था, तो एक क्रूर चेहरा था, तो इस्लाम का जो उदार चेहरा किसी ने प्रस्तुत किया था वो सूफिया ने किया था, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, सूफी शब्द जो है वो सूफ से निकला है, सूफ, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऊन या ऊनी कपड़ा। क्योंकि प्रारंभिक सूफी संत जो थे वो ऊन से बने हुए, भेड़ बकरी जैसी किसी की भी ऊन थी,
भेड़ बकरी की ऊन से बने हुए कपड़े ही पहनते थे। फिर सूफी शब्द एक दूसरा मत है, सूफी शब्द सफा से निकला है, सफा सफाई, ठीक है ना, जिसका मतलब होता पवित्रता या शुद्धता। यानी संत चूंकि अपने आचरण में आचरण को हमेशा पवित्र रखते थे, शुद्ध रखते थे, इसलिए वो सूफी कहलाते थे। अपने आचरण को, है ना, कपड़े धोने की बात नहीं है, आचरण को शुद्ध रखते थे, पवित्र रखते थे, इसलिए वो सूफी कहलाते थे, ठीक है ना। फिर एक सफा है, सफा जो मदीना है, मदीना के मदीना की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा है या एक पहाड़ी है, जो चबूतरा नुमाचा पहाड़ी है, चबूतरा नुमा पहाड़ी है, ठीक है ना। उस पहाड़ी या उस चबूतरा पर ये लोग मिलते थे, आपद आती तो वहां शरण लेते थे, ठीक है ना, और ज्ञान संबंधी चर्चाएं करते थे, इस वजह से ये सूफी कह रहा है, ठीक है ना। फिर आप तो सबसे बढ़िया बात ये है कि अब किस में से किसको राइट माने, तो एक्चुअली में ये डिसीजन करना तो बड़ा मुश्किल काम है कि भी किस सूफी में से किसको सही माने, कौन सा सही माने। तो आपको सिर्फ एक ऊन वाला जो मैटर है वो प्रारंभिक रूप से सही लगता है, बाकी सभी सही है, ठीक है ना, क्योंकि सभी अटैच में है कई कई तरीके से, क्योंकि सफा नामक चबूतरा पर वो चर्चा करते थे, सफा आचरण की पवित्र आचरण की पवित्रता और शुद्धता पर जोर देते थे, ये सारी बातें उन पर रिलेटेड थी। चलिए पर जो भी है, ये सूफी संत जो भी है, पर आजकल हम जिस उस सूफी संत उसे ही कहेंगे जो तसव्वुफ को मानते हैं। ये शब्द याद रखना, तसव्वुफ को मानते हैं, मानने वाले साधक, ठीक है ना, यानी सभी से प्रेम करने वाले, ठीक है ना। अपने आप को सूफी संत मत समझ लीजिएगा कि सर मैं किसी भी स्त्री से प्रेम कर सकता हूं, तो इसका मतलब आप सूफी संत नहीं हुए कि मैं सबसे प्रेम कर सकता हूं, ठीक है ना। अगर कोई बिसेक्सुअल है, ठीक है ना, तो वो कह सकता है कि मैं सबसे प्रेम करता हूं, तो दैट इज नॉट सूफी, ठीक है ना, सभी से प्रेम करने वाला। चलिए अब भारत के संबंध के बारे में कहें कि भारत में सूफी सिलसिला के बारे में, सूफी मत के बारे में बात करें, तो भारत में सल्तनत की स्थापना के पश्चात या सूफिया का आगमन हुआ, ठीक है, सूफी सिलसिले दो वर्गों में बटे हुए थे, पहला बासरा और दूसरा बेसरा। बासरा जैसे बाकायदा, यानी कायदा के सही, ठीक है ना, और बे लगते ही बेकार, बेकायदा यानी कायदा के बिना, यानी कि बासरा वो जो इस्लामी विधान, इस्लामी विधान यानी शरीयत, शरीयत को मानने वाले के अनुसार जो सिलसिले थे वो बासरा कहलाए,
और जस्ट जो इस्लामी विधान को नहीं मानते थे वो क्या कहलाए, बेसरा। ये बात समझ में आ गई? अगर आपसे परीक्षा में पूछे बासरा और बेसरा क्या है, ठीक है ना, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए इन चीजों के बारे में। चलिए इब्न अल अरबी, इब्न अल अरबी इसका नाम याद रखेंगे। जिसने वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रारंभ दिया, वहदत उल वजूद, वजूद मतलब अस्तित्व, वजूद जिसको हम सर्वेश्वरवाद बोल सकते हैं, यानी कि सूफी मत में सर्वेश्वरवाद देने वाला कौन था, इब्न अल अरबी। दैट इज राइट, वहदत उल वजूद, सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद यानी कि सब जगह सब में सब रूपा में ईश्वर विद्यमान है, चाहे बकरा हो चाहे आकरा हो। क्या समझे, ठीक है ना। अबुल फजल की जो पुस्तक थी, अबुल फजल अकबरनामा, उसका एक भाग है आईने अकबरी, उसमें उसने 14 सिलसिला का उल्लेख किया है। कितने सिलसिला, मतलब चैन, चैन का मतलब एक के बाद गुरु शिष्य की परंपरा, समझ में आ रही नहीं आ रही, ये गुरु फिर उसके बाद ये शिष्य, फिर इसका ये शिष्य, फिर इसका ये शिष्य, फिर इसका ये शिष्य, फिर ये इसका ये शिष्य, फिर ये इसका ये शिष्य, ठीक है ना। आपने कभी गाना सुना है, ये सिलसिला है प्यार का, सुना नहीं सुना, सिलसिला मतलब चैन लगातार, तो लगातार प्यार का सिलसिला है, समझ में आ रही है, चैन। चलिए साहब, इन 14 सूफी सिलसिला में से कुछ सिलसिला के बारे में मैं आपको बता दूं जो आपको अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम है या अच्छे बुरा आपके साथ नहीं घटने वाला है, आपको एग्जाम देने हैं। दैट इज राइट। चलिए हम बात करते हैं चिश्ती संप्रदाय। अभी मुकेंद्र ने कहा था चिश्ती संप्रदाय, भारत में स्थापित सबसे प्राचीन और संगठित सिलसिला था, भारत में स्थापित सबसे प्राचीन। अगर कोई प्रश्न पूछे भारत का प्राचीनतम सूफी सिलसिला कौन सा था, चिश्ती सिलसिला, और सबसे ज्यादा संगठित कौन सा था, चिश्ती। वैसे इसकी चिश्ती सिलसिले की शुरुआत कहां से हुई थी, खुरासान से, कहां से, खुरासान से, अबू इसाक द्वारा, किसके द्वारा, अबू इसाक द्वारा, जो इस चिश्ती सिलसिले की शुरुआत। अब भारत में कौन लेके आया था, ठीक है ना, तो यूं समझिए शेख उस्मान का शिष्य या मुरीद, ध्यान रखना, सूफिया में पीर यानी गुरु,
मुरीद यानी शिष्य, ठीक है ना, शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है ना, ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे लगभग 1192 ईस्वी में, ठीक है ना, और अपना खानका जो स्थापित किया था वो अजमेर। तो एक शब्द आता है आपके सामने खानका। तो एक्चुअली में खानका हम उसी प्रकार कह सकते हैं जिस प्रकार किसी संत का जो मठ होता नहीं होता, ठीक है ना, उसी तरह सूफिया का क्या होता है, खानका, ठीक है, यानी कि जहां सूफी चर्चाएं होती रहती है, उनका निवास स्थान, उनका पूजा स्थल, यानी कि सूफी परंपराओं का जो केंद्र स्थल है वो क्या कहलाता है, खानका, ठीक है ना। जैसे कोई जैसे मठ होता नहीं होता, किसी संत का मठ होता नहीं होता, उसी तरह ये खानका। तो चिश्ती संप्रदाय का जो खानका यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खानका कहाँ स्थापित हुआ, अजमेर। गुड, ठीक है ना, अजमेर में हुआ था, और ये हिंदुस्तान में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है, ख्वाजा साहब और हिंद के राजा, हिंद के राजा, हिंद के राजा मेरे ख्वाजा। चलिए, फिर इनके जो शिष्य थे, किसके, ख्वाजा साहब के जो शिष्य थे वो उनके शिष्य थे ख्वाजा बख्तियार काकी। क्या नाम, बख्तियार काकी। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे, इल्तुतमिश तो पढ़े होगा ना, इल्तुतमिश के समकालीन, ठीक है ना। ख्वाजा बख्तियार का शिष्य था फरीदुद्दीन, यस, फरीदुद्दीन जिसे गज ए शंकर बोला जाता था। क्या बोला था, गंज ए शंकर, ठीक है ना। यही बाबा फरीदुद्दीन जो सिख परंपरा में क्या कहलाए, बाबा फरीद, सिख परंपरा में क्या कहलाए बेटा, बाबा फरीद, अर्थात एक्चुअली में सिखों का प्रमुख जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उस गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की बहुत सारी शाखियां इंक्लूड है, ठीक है ना। ये बाबा फरीद बलबन के समकालीन थे, इसके बलबन के समकालीन थे, ठीक है ना। और बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। निजामुद्दीन औलिया एक बहुत ही उदार और सहिष्णु थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने दिल्ली के 7 सुल्ताना का काल देखा था। कितने, 7 सुल्ताना का काल देखा, किसने, निजामुद्दीन औलिया,
सात सुल्ताना का भाव, ठीक है ना। ये उदार सहिष्णु और सभी से लव करते थे। लव आपको वाला नहीं, लव लव वो लव रूहानी लव, ठीक है, नॉट जिस्मानी। सबसे रूहानी लव करते थे, इसलिए इसको महबूब ए इलाही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महबूब ए इलाही, याद रख लोगे ना? परीक्षा में प्रश्न पूछे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? ऐसा सूफी संत जिसने सात सुल्ताना का काल देखा, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? नहीं, फरीदुद्दीन गजे शंकर फरीद, बाबा फरीद नाम उल्लेखित सिर्फ कहाँ है? गुरु ग्रंथ साहिबा में। गुरु नानक का है, क्या शब्द बोल रहे हो? गुरु ग्रंथ साहिबा, ठीक है ना। ये एक्चुअली में नाथ संप्रदाय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और नाथ संप्रदाय की योग पद्धति को इन्होंने ग्रहण किया, तो ये खुद योग करते थे, इसलिए इनको योगी सिद्ध भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? योगी सिद्ध। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? समझ में नहीं आए तो निजामुद्दीन औलिया। खैर, निजामुद्दीन औलिया के बाद आता है नासिरुद्दीन चिराग एक दहली। नासिरुद्दीन जिसे चिराग ए दहली बोलते, गजे शंकर तो पता ही है कि चिराग ए दहली या दिल्ली, ठीक है ना। अब नासिरुद्दीन चिराग ए दहली के बाद उनका शिष्य आता है मोहम्मद सैयद मोहम्मद गैसुद्दराज। अब सैयद आपको खुद को पता है कि सैयद जो थे प्रॉफिट मोहम्मद खुद सैयद थे, उसी वंश के थे ये व्यक्ति सैयद मोहम्मद गैसुद्दराज। ठीक है ना, यूं समझ लीजिए कि इसका काल मोहम्मद बिन तुगलक का काल है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का काल है और फिरोज तुगलक का काल है। दिल्ली बड़ी अस्त व्यस्त चल रही थी, तो इन्होंने दिल्ली से दक्षिण की ओर चले गए, दक्षिण की ओर चले गए। अब प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्या कि दक्षिणी भारत में सूफी सिलसिला, सूफी सिलसिला पहली बार गैसुद्दराज लेके गए थे, चिश्ती सिलसिला, सूफी सिलसिला का कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला, सूफी मत का चिश्ती सिलसिला, ठीक है ना। गैसुद्दराज उस समय बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आ गया था, बहमन सा हसन गंगू, नाम याद नहीं आ रहा क्या? हाँ, हसन गंगू बहमन सा, उसने बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आ गया था, ठीक है ना। तो ये वहां चले गए और क्योंकि गैसुद्दराज दुखिया और दरिद्रा के प्रति बहुत ज्यादा लव करते थे, प्रेम करते थे दुखिया और दरिद्रा के प्रति, और इसलिए इनको बंदा नवाज भी कहा जाता था। क्या? बंदा नवाज। ठीक है, अब देखिए एक और है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख
बुरहानुद्दीन गरीब जिसकी कार्यस्थली थी दौलताबाद, क्या थी दौलताबाद, ठीक है। तो एक्चुअली में दक्षिणी भारत में जो इस चिश्ती सिलसिले को एक बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी दी है वो दी है इस शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने और सैयद मोहम्मद गियासुद्दीन, ये दो नाम आप याद रखेंगे, ठीक है ना। दक्षिणी भारत गियासुद्दीन और गरीब, आप नॉर्मल तरीके से याद करना चाहते हो तो इससे मिलते जुलते शब्द बहुत सारे मिलते हैं मारवाड़ी में, वो उस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अब दक्षिणी भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के कारण दक्षिणी भारत में सूफी सिलसिला की महत्ता बढ़ी पर उत्तरी भारत में नहीं। एक बार फिर मुगल साम्राज्य की जब स्थापना होती है उत्तर भारत में, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है तब वापस सूफीज्म वापस उभर कर सामने आता है और चिश्ती संप्रदाय वापस आता है, ठीक है ना। आप जानते हैं शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है ना, जो जिसके प्रति अकबर कितना आदर रखता था आप कभी जान ही गए होंगे। अकबर अपने पुत्र का नाम जहांगीर का नाम क्या रख रखा था, सलीम, ठीक है ना। और तो और फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में उसकी मजार बनाई, यानी कि उसका मकबरे का निर्माण करवाया और उस बुलंद दरवाजा बनवाया, क्या बनवाया, तो याद रखना कि बुलंद दरवाजा किसका है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का दरवाजा है बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के उपलक्ष में अकबर ने बनाया था और आपको खुद को पता होना चाहिए कि चिश्ती संता के प्रति अकबर का कितना बड़ा विश्वास था कि वो खुद राजस्थान में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पैदल यात्राएं की थी, ठीक है। चलिए अब हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब देखिए एक और चीज, यहां तक तो ठीक है, अब हम मराठे मराठा के बारे में बात करते हैं। मराठे जो हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू धर्म उदारक, ठीक है ना, नाम से जाने जाते थे, उसी सिलसिले में बोलता हूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को नजर, यानी गेट, नजराना समझते हो ना, नजराना, उसकी दरगाह को नजराना या भेंट, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को नजराना भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार का नाम अगर पूछे तो लिख बता देना राजा साहू, साहू जी महाराज जो शिवाजी के पोतर थे। साहू जी महाराज कौन थे, यस साहू जी महाराज, जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के प्रति पहली बार उन्होंने नजराना भेंट किया। अब 3-4% जो आपके लिए जल्दी जल्दी से लिखिएगा, ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण प्रथम बार नहीं, मजार का निर्माण प्रथम बार किसने करवाया, दूसरा प्रश्न लिखिए दरगाह पर चांदी का कटघरा
किसने बनवाया? तीसरा प्रश्न लिखिए, छोटी देख बड़ी देख किसने बनवाई? नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, बुलंद दरवाजा किसने बनाया? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दरगाह में स्थित प्रमुख मस्जिद है? चूंकि आप राजस्थान से हैं, ठीक है ना, और राजस्थान जीके की दृष्टि से भी कुछ सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक उर्स के बारे में जानकारी कि भी उर्स कब से कब तक मनाया जाता है और एक जन्नती दरवाजा कब खोला जाता है। ठीक है ना, तो चिश्ती सिलसिले के बारे में तो हमने जानकारियां काफी प्राप्त कर ली है। अब सबसे महत्वपूर्ण और सिलसिला है वो सुहरावर्दी। सुहरावर्दी का संस्थापक था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। क्या नाम? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इराक में स्थापना हुई थी बगदाद। ठीक है ना, भारत में इसको जिसने प्रचारित किया था उसका नाम है बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है ना, और जलालुद्दीन तबरीजी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इस मैटर में कि भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को प्रसिद्ध किसने बनाया? तो बहाउद्दीन जकारिया। इसका मुख्यालय था मुल्तान। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा सूफी सिलसिला की खासियत ये थी कि इनके क्षेत्र चिन्हित थे। क्या थे? समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी कि ये जैसे कि मुल्तान क्षेत्र में सुहरावर्दी है तो वह चिश्ती सिलसिले का कोई भी संत वहां नहीं जाता था, ठीक है ना। उत्तरी भारत में अगर चिश्ती सिलसिला है अजमेर दिल्ली की तरफ तो वहां सुहरावर्दी वाला नहीं आता था, तो क्षेत्रीय विभाजन था इनमें, ठीक है ना। इस संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह परंपरावादी और रूढ़िवादी, यानी कि चिश्ती सिलसिले से एकदम अलग। ठीक है ना, शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया नाम सुना है? अभी तो आया था। इल्तुतमिश की नसरुद्दीन कुबाचा से संघर्ष हुआ हाँ या ना? तो इल्तुतमिश का नसरुद्दीन कुबाचा के साथ संघर्ष हुआ था
तो शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इल्तुतमिश का सहयोग किया था, क्योंकि वो मुल्तान सिंध वाला एरिया किसका, सुहरावर्दियों का था, तो इसने इल्तुतमिश का सहयोग किया। इस वजह से इल्तुतमिश ने इसको उपाधि दी है शेख उल इस्लाम। क्या ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और उभर के सामने आता है आपके सामने, वो ये कि चिश्ती सिलसिले और सुहरावर्दी में क्या अंतर है। ये थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चिश्ती सिलसिले के जो संत थे वो सुल्तान और अमीरा से दूरी बनाए रखते थे, जबकि ये इनसे मेल मिलाप करते थे, मेल मिलाप रखते थे, और उनका इनका ये, जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मेरी कुटिया में दो दरवाजे हैं, एक तरफ से सुल्तान घुसता है, दूसरे दरवाजे से मैं निकल जाता। यानी कि सुल्तान और अमीर वर्ग से ना तो ये सहायता लेना पसंद करते थे, ना उनसे कोई संपर्क रखना पसंद करते थे, परंतु सुहरावर्दी का विश्वास था कि सुल्ताना और अमीरा से सहायता प्राप्त करें ताकि हम भी आपाई हो रहा रहे और अपन गन पाए रही तो गरीबानी हो रहा कारण, समझ में आ गया। उनकी एक सीधा सा सिद्धांत था। ठीक है ना। फिर ये खैरात बांटने में ज्यादा विश्वास करते थे, कौन, चिश्ती सिलसिले वाले लोग खैरात बांटने में ज्यादा विश्वास करते थे। मतलब जैसे पैसे आए शाम तक पूरे खत्म, कल कहीं खावा डजेंट मैटर, ठीक है ना। परंतु ये धन संचय में विश्वास करते थे, इवनी उपाड़ना कहीं अड़ती में काम आते, कहीं क्या होता इवनी उपाड़ना कभी अड़ती में काम आते। ठीक है ना। इसके यहां देख लीजिए, सभी के लिए सम्मान व्यवस्था चिश्ती सिलसिले, अमीर आयो चाहे गरीब आयो, चाहे सुल्तान आएगो चाहे शहंशाह आएगो, तो वाइस दरी है जेट बगदा राम बैठन गयो या काना राम बैठन गयो या कुछ भी बैठन गयो, ठीक है ना, या लूणा राम बैठन गयो या आशु राम बैठन गयो, समझ मारी नहीं आ रही। परंतु ये थोड़ा सिस्टमेटिक चलते थे, यानी सबके लिए अलग अलग व्यवस्था। यानी वर्तमान के जो आप संत देखते हैं ना, वीआईपी पैटर्न, आप आजकल आप कहीं भी दर्शन करने चले जाओ, मुझे तो वीआईपी दर्शन करने हैं, करते ही नहीं करते, ठीक है ना। और ये गरीबों को बहुत कम समय देते थे, अमीरों को बहुत ज्यादा समय देते थे। ये तो गरीब हो चाहे अमीर हो, बेटा है आया मिलिया ग्यापरा डजेंट मीटर, वो आयो भाई दरी है भाई पट्टी है, बैठो तो बैठो और जाओ तो जाओ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सिस्टम आप समझ लेना। चलिए
नेक्स्ट सिलसिला तो थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है कादिरी संप्रदाय। इसकी भी स्थापना बगदाद में हुई थी 12वीं सदी में अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है ना, परंतु भारत में जिसने शुरू किया है उसका नाम है सैयद मोहम्मद जिलानी। सैयद मोहम्मद जिलानी सैयद मोहम्मद जिलानी ठीक है ना। ये भी रूढ़िवादी परंपरावादी सिलसिला था। समझ में आ रही नहीं आ रही? इनका प्रसार पंजाब सिंध और दक्कन क्षेत्र में। दक्कन जानते हो बहमनी साम्राज्य जहां था, पंजाब। और ध्यान रखना सूफिया के लिए सर्वाधिक उर्वरक भूमि कोई थी, उर्वरक जगह थी वो पंजाब था। पंजाब पता नहीं किस मिट्टी, कौन सी मिट्टी है वहां। वहां रईसियवाद जितने पंजाब में हुए हैं, सूफी हुए हैं या सर्वेश्वरवादी हुए हैं, वो पंजाब में बहुत ज्यादा हुए। ठीक है ना, यानी के ये भी रूढ़िवादी परंपरावादी था जिसका प्रसार कहां था, पंजाब सिंध दक्कन। दक्कन क्षेत्र बोले तो बहमनी साम्राज्य जहां था वहां पर इस कादिरी संप्रदाय का प्रभाव था। ठीक है ना, ये प्रांतीय शासक से संबंध रखते थे, प्रांतीय शासक से। ठीक है ना, और तो और ये राज्य आश्रय भी प्राप्त करते थे। मतलब आप देखेंगे कि एक्चुअली में कादिरी हो सुवारावर्दी हो एक ही बात, दोनों जैसी एक जैसी तासीर थी, दोनों की एक जैसी ही तासीर थी। ठीक है ना, शेख मीर मोहम्मद आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मियां मीर के नाम से प्रसिद्ध थे। इस नाम से मियां मीर आपसे प्रश्न सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है, मियां मीर किस संप्रदाय से संबंधित थे, किस सिलसिले से संबंधित थे। और आप देखते हैं मियां मीर दारा शिकोह से बहुत ज्यादा रहता था। इससे तो आपसे परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले से संबंधित था, कादिरी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अकबर किस सूफी सिलसिले से संबंधित था, चिश्ती। गुड, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन एक और सिलसिला, नक्शबंदी। वैसे 14 सिलसिले हैं पता था ना, नक्शबंदी। इसकी स्थापना की थी ख्वाजा उबैदुल्ला।
ख्वाजा उबैदुल्ला, और भारत में इसको जो लोकप्रिय बनाए, वैसे 13वीं सदी का है, भारत में इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय है ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है ना। सूफी संप्रदाय में सबसे कट्टरपंथी कोई संप्रदाय है? सूफी संप्रदाय में सबसे कट्टरपंथी संप्रदाय है वो ये है नक्शबंदी। ठीक है ना। शेख अहमद सरेंदी का नाम आपने सुना होगा, शेख अहमद सर हिंदी, जिसने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था, अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था, शेख अहमद सर हिंदी अकबर और जहांगीर का समकालीन था, क्योंकि बहुत ज्यादा कट्टरपंथी थे ये। ठीक है ना। ये अपने आप को क्या कहते थे, मुजहिद आली फशानी, मुजहिद आली फशानी। मतलब इस्लाम का पुनरुद्धारक, इसका मतलब क्या है, मुजहिद आली फसानी का मतलब इस्लाम का पुनरुद्धारक। समझ में आ रही नहीं आ रही, इस्लाम का पुनरुद्धारक। चलिए, अब जब ये बहुत कट्टर था नक्शबंदी, तो आप खुद सोचिए कि कौन सा मुगल शासक इसका हो सकता है। औरंगजेब। वेरी गुड, औरंगजेब इसका अनुयायी था। ठीक है ना। वैसे सूफी संत किसमें विश्वास करते थे, वहदत उल वजूद, किसने दिया था है ये, इब्न अल अरबी ने दिया था वहदत उल वजूद। ठीक है ना। ये इसके विपरीत वहजत उल सूद में विश्वास करते थे, इसमें वहजत उल सूद। ठीक है ना। इवन देर तक ये सिलसिला इस्लामी परंपरा के खिलाफ जो भी था उसको नकारते थे, संगीत के भी विरोधी थे, जबकि हम सूफियों को संगीत से जोड़ते हैं, तो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है संगीत का विरोधी सिलसिला कौन सा था, नक्शबंदी। औरंगजेब इसी को पसंद करता था, औरंगजेब ने अपने दरबार से संगीत चित्रकला सारी गैर इस्लामिक परंपराओं रीति रिवाजों कलाओं को हटा दिया गया, दैट इज राइट। चलिए अब ले लेते हैं सतारी। पंद्रहवीं सदी में भारत में इसकी स्थापना शाह अब्दुल सत्तार के द्वारा, शाह अब्दुल सत्तार, राइट। ठीक है ना। अब देखिए, एक्चुअली ये सतारी हो या फिरदोशी हो, ध्यान रखना, ठीक है ना, सतारी या फिरदोशी ये जो भी थे, ये एक्चुअली में सुहरावर्दी की शाखाएं, किसकी, सुहरावर्दी की। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आराम पीरियत है,
शासक वृक्ष से योग लेते थे, ये बताने की जरूरत है, ठीक है ना। ग्वालियर निवासी मोहम्मद गौस, नाम ने सुना होगा, हजरत मोहम्मद गौस, हजरत मोहम्मद गौस इसका प्रमुख अनुयायी था, ठीक है ना। फिरदौसी में उपाधि थी क्या? नहीं नहीं, सिलसिला है फिरदौसी सिलसिला, ठीक है ना। जैसे सतारी सिलसिला है उसी तरह फिरदौसी सिलसिला है। ये एक्चुअली में एजे स्वरावर्दी की शाखाएं समझो, जो एक्चुअली में बंगाल, बिहार, जौनपुर, ठीक है ना, यहां पर विकसित हुई थी। ये हजरत मोहम्मद गौस, इसने संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, संगीत के विकास में। और हजरत मोहम्मद गौस के ही शिष्य थे, यानी कि सानिध्य था, शिष्य तो था तानसेन को। समझ में आ गई। अब आपसे कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ये सूफिया के मैंने 14 सिलसिला में से 5 सिलसिलाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, और इन 5 सिलसिलाओं के अलावा बहुत सारे सिलसिले हैं। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि भी 14 सिलसिले हैं अकबरनामा में दे रखे हैं, उनमें से 5 सिलसिले यहाँ तक हम पकड़ में रख सकते हैं प्रश्न को। मैक्सिमम 99% सवाल अगर सूफिया से संबंधित पूछे जाएंगे तो यही सिलसिला के बारे में पूछे जाएंगे। चलिए सूफी मत के प्रभाव के बारे में आपको कुछ बातें समझा दूं। एक तो सूफिया एक्चुअली में इस्लाम में जितने लोग कन्वर्जन हुए हैं वो तलवार के बल पर कम और प्रेम के बल पर ज्यादा हुए थे, और ये काम करा था सूफिया, ठीक है ना। यानी कि एक इस्लाम का उदार चेहरा अपने सामने रख दिया। दूसरी चीज, इस्लाम कुरान के द्वारा एस्टैब्लिश है, और उस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि इस्लाम में कोई गतिशीलता लेकर आया है, इस्लाम में कोई गतिशीलता लेकर आया है, वो कौन लेकर आए हैं? सूफी संत। समझ रहे हैं मेरी बात? बाकी इस्लाम में तो ये है कि भी कुरान के खिलाफ कुछ भी नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज, भारतीय साहित्य में भी योगदान बहुत सारा देखने को मिलता है, ठीक है ना। फरीद, कुतुबन, इनकी रचनाएं ढूंढना, मंजन, मजनून साहब, जायसी, नाम सुना ना, नूर मोहम्मद, इनकी रचनाएं आप ढूंढने का प्रयास करना, भारतीय साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज, मध्यकाल में जो सामाजिक बुराइयां आई है, एक्चुअली में इस्लाम का यहाँ आगमन और रुपये पैसे की एक नई तरीके से वसूली, जिस वजह से जमाखोरी, काला बाजारी, यानी कि जो ये आर्थिक, इकोनॉमिकल और सोशल प्रॉब्लम्स जो पैदा हुई है, तो इनका उदार का के रूप में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तीसरी चीज, अब देखिए खानका जो थे,
खानका की वजह से नगरीकरण को बढ़ावा मिला। नगरीकरण आज अजमेर अजमेर क्यों बना, मुल्तान मुल्तान क्यों रह गया, ठीक है ना, ये इसका कारण खानका थे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ व्यापारियों को प्रोत्साहन मिल रहा था। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर खानका स्थित होते थे, तो व्यापारियों में डर और भय कम रहता था। दैट इज राइट ना, ठीक है ना। फिर एक अंतिम बात जो आपको लिखनी है, गरीब बेसहारा। एक्चुअली में गरीब और बेसहारा व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक प्रोत्साहन इन खानकाओं के द्वारा मिल जाता था। भाई आज एक बीमार है व्यक्ति है, एक महीने से हाउल नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि एक्चुअली में ख्वाजा साहब की दरगाह जाएगा, ठीक है, और वहां से एक ताबीज बनवा देगा और एक कान में फूंक मरवा लेगा, वो ठीक होने के चांस बन जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी तो इलाज कहाँ था उस समय, एक गरीब बेसारे लोगों का एक सहारा बना था। फिर ये जो खानका थे, एक्चुअली में ये ताबीज बेचकर बेशुमार दौलत कमाई और गरीबों में बांटी, ठीक है ना, गरीबों का उद्धार किया, ठीक है। उस समय से आज तक देख में डेली खाना बनता है, गरीब खाते हैं, ठीक है ना। ऑल ओवर भक्ति हो चाहे सूफी संत, जिन्होंने वास्तव में इस आम जनता का थोड़ा बहुत उद्धार किया है, जिनको प्रश्रय दिया है, जिनको सहानुभूति दी है, जो हर जगह दुत्कारा जाता था, तो इन संता और सूफिया के सामने वो अपना दुखड़ा रो सकता था, अपना तो महसूस कर सकता था। लास्ट में इतना ही कहूंगा, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना।